और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है लगातार जिस तरीके से जो बवाल मचा है। अब पीस पार्टी के अयूब खान की बात करें तो अब अयूब खान अस्पताल पहुंचे हैं मिलने के लिए जो पीड़ित हैं जो घायल हैं। तो दिल्ली से इस वक्त की जो है बड़ी खबर आ रही है कि अयूब खान पहुंचे हैं, पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अयूब खान। तो अयूब खान ने इस पूरे मामले को लेकर के फिलहाल जो जानकारी दी थी, जामिया के घायल छात्रों से उन्होंने अस्पताल में मुलाकात की, उनका हाल जाना। नागरिकता कानून के विरोध में ये छात्र घायल हुए थे और अब पीस पार्टी के अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की है, लेकिन डॉक्टर अयूब का साफ तौर पर कहना है। लोकेश टंडन हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता लोकेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है डॉक्टर अयूब के बारे में? आज जो देश में भाजपा की सरकार है वो पूरी तरीके से शासित सरकार है, कर्नल सरकार है। संविधान के हिसाब से जो जिम्मेदारी दी है संविधान ने, उस पर काम करने के बजाय, देश के जनता की सेवा करने के बजाय, देश का विकास करने के बजाय, समरसता बढ़ाने के बजाय, यहाँ का जो सामाजिक स्तर लोगों का उठाने के बजाय, ये सरकार देश के और धर्म के नाम पर तोड़ने का काम कर रही है और संविधान के विरुद्ध जा करके एक जो नागरिकता संशोधन जो उन्होंने कानून बनाया है वो संविधान के धारा 14 के खिलाफ है। और मैं समझता हूँ कि पूरी जनता, मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरा समाज इसके लिए उद्वेलित है, सड़क पर आ चुका है और ये सरकार जिस मुद्दों को लेकर के आई है उसका विरोध पूरी जनता कर रही है, खासतौर पर मुसलमान कर रहा है। और इस पार्टी इस संघर्ष में पूरी तरह से शामिल है और यहाँ जामिया में आज हम यहाँ पर हैं और जामिया के बच्चे जो इसके खिलाफ जो संघर्ष कर रहे हैं इस पार्टी के साथ है और जो भी घायल हुए हैं जामिया में या दूसरी जगहों पर, इस पार्टी उनको लीगल भी मदद करेगी और उनके मेडिकल भी हेल्प करेगी। साहब आप लखनऊ से आप दिल्ली पहुँच गए, बहुत बड़ा मसला था इसलिए आपको आना पड़ा लखनऊ से यहाँ तक। देखिए ये तो देश का मसला है ना, क्योंकि ये सरकार जो है ये पूरे धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रही है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से दमनात्मक कार्रवाई ये सरकार कर रही है, अगर यही तरीके रहा तो देश में सिविल वार होगा और लोग जनता इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। अभी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं सरकार को? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो सरकार की जो संविधान ने शपथ लेके जो जिम्मेदारी दी है संविधान ने, उसके हिसाब से काम करें, संविधान के हिसाब से काम करें, संविधान को के विरुद्ध जाकर के देश को, समाज को धर्म के नाम पर तोड़ना और वोट की राजनीति करना, मैं समझता हूँ ये देश के लिए और समाज के लिए घातक है। और मैं समझता हूँ कि जो काम ये छात्र जो जामिया के छात्र रह रहे हों या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रहे हों, नदवा के रहे हैं, जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन ये छात्र कर रहे थे, उनके खिलाफ भाजपा के लोग और पुलिस के लोग गाड़ियां जलाए हैं, पथराव की हैं, गोली चलाए हैं। मैं समझता हूँ कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन को ये सरकार दंगे का रूप दे करके इसको बर्बापा को दबाना चाहती है। मुझे लगता है कि सरकार अपने इस जो सांप्रदायिक कार्रवाई है, जो असंवैधानिक कार्रवाई है, मैं समझता हूँ उसमें सफल नहीं होगी। अच्छा अयूब साहब, अगर हम बात करें दिल्ली में आने वाले वक्त में इलेक्शन है और प्रयास यही लगाए जा रहे हैं कि सरकार ने ये बिल लेकर आई, शायद आने वाले इलेक्शन को देख कर लेकर आई और इसीलिए ये सारा माहौल बना। देखिए सरकार ने जो ये काम किया है मैं समझता हूँ कि असंवैधानिक है, समाज जागरूक है, समाज इसको समझता है कि इसे वोट की राजनीति कर रही है, विकास करने के बजाय बल्कि देश को विनाश की तरफ ले जा रही है सरकार। ये सरकार जो शपथ ली थी उसके अलावा ये सरकार देश को बांटने का काम करे, देश को तोड़ने का काम करे। मैं समझता हूँ कि ये सभी लोग से समझ गए हैं और आने वाले दिनों में ये सरकार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का नारा बीजेपी सरकार ने दिया था, लगता नहीं कि इन छात्रों का जो प्रदर्शन अभी तक चल रहा है कि वो नारा ही कब चला गया? बिल्कुल देखिए पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर हुआ है इस देश का जिस पर किसी को विश्वास नहीं है, चाहे वो अच्छे दिन कहे हो, 15 लाख रुपया मिलना कहे हो या विदेशी धन वापस आने का कहे हो। और जो अभी अमित शाह ने जो जिस तरीके का सांप्रदायिक भाषण लोकसभा में दिया है, मैं समझता हूँ कि विधानसभा को
लोकसभा को गुमराह करने वाला रहा है, राज्यसभा को गुमराह करने वाला रहा, देश को सांप्रदायिक आग में झुकने वाला रहा। क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि देश जब आजाद हुआ तो पाकिस्तान में 38% नॉन मुस्लिम थे और अब 3% रह गए हैं। या तो उन्हें मार डाला गया है या उन्हें धर्म परिवर्तित कर दिया गया, उन्हें हटा दिया गया है। तो ये करके ये देश के नागरिकों को भड़काना चाह रहे थे, मुसलमानों के खिलाफ इस देश के नॉन मुस्लिम को ये उद्वेलित करना चाहते हैं। पर आंकड़ा ये कहता है, इंडिया टुडे का रिपोर्ट ये कहता है और पाकिस्तान का शीर्षक ये 1951 का ही कहता है, 1951 में नॉन मुस्लिम पाकिस्तान में सिर्फ 3.4% थे और आज 2011 का सेंसस ये कहता है कि 3.4 से नॉन मुस्लिम 3.7 हो गए हैं, मतलब 0.3% वो बढ़ गए हैं, ना कि कम हो गए हैं। तो ये देश को गुमराह करने वाले काम वो प्रधानमंत्री ने भी किया है और लोकसभा में सांप्रदायिकता भड़का करके जनता को बांटने का काम किया है और लोकसभा को गुमराह करने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को तुटक तक जान में लेकर के इस सरकार को बर्खास्त कर लेना चाहिए और देश और जनता को धोखा देने के जुर्म में इन दोनों को जेल में डाल देना चाहिए। अच्छा, अभी आप अस्पताल पहुंचे थे उन छात्रों से मिलने जो बवाल में शामिल थे, एक तरीके का बवाल दिल्ली पुलिस बता रही थी। आपने कानूनी मदद का भी ऐलान किया, आपने आर्थिक मदद का भी ऐलान किया, क्या मकसद है इसके पीछे? देखिए, बवाल तो नहीं, बवाल ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन को सरकार के गुंडे, भाजपा के गुंडे और प्रशासन पुलिस के लोग, वो खुद उन्होंने बसों को जलाया, पत्थरबाजी की गोलियां चलाई। तो इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को वो दंगे का रूप देना चाहते हैं। मगर जो भी घायल हुआ है उन घायलों को हर तरीके का चिकित्सीय मदद देगी, लीगल मदद देगी और जो भी मदद हो सकता है पीस पार्टी पूरी तरीके से उनके साथ है और उनकी मदद करेगी। जहां भी, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, चाहे वो छात्र हो, जो भी इस आंदोलन में प्रताड़ित होगा, उनका सहयोग, उनके साथ हमेशा पीस पार्टी रहेगी। अच्छा, पीस पार्टी अब क्या करने वाली है? छात्र सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लगातार चल रहा है, उन्होंने कह दिया है जब तक वापस नहीं लिया जाएगा जब तक आंदोलन जारी रहेगा। पीस पार्टी का स्टैंड क्या रहने वाला है? पीस पार्टी जब से ये बिल आया है लोकसभा में, तब से पीस पार्टी का धरना प्रदर्शन पूरे देश में चल रहा है। पीस पार्टी ने जब ये बिल पास हो गया है, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया है, तब सुप्रीम कोर्ट में इसके बर्खास्तगी का मुकदमा भी दायर कर चुका है। लीगली तौर पर और सड़क पर दोनों लड़ाई लड़ेगी, तब तक लड़ेगी जब तक ये बिल खत्म न हो जाए या वापस नहीं ले लिया जाए। अधिकार दिया है, सारे धर्म को जो समानता का अधिकार दिया है, ये 14 संविधान की जो आर्टिकल 14 है उसके खिलाफ है, इसलिए ये संविधान के खिलाफ कानून है और इसे निरस्त किया जाए। ये धर्म के आधार पर देश और समाज को बांटने वाला है, इसे निरस्त किया जाए। समाज और इस सरकार अपनी ताकत के बल पर समाज और देश को तोड़ने पर उतारू है, समाज इस देश को खत्म करने की साजिश कर रही है। मैं समझता हूँ कि सभी विपक्षी लोग एकजुट होकर के, मुतहिद होकर इस सरकार को उखाड़ फेंके, और मैं समझता हूँ जल्दी ये मौका आएगा और सभी लोग एकजुट होकर इस सरकार को बाहर करेंगे। आप हॉस्पिटल में मिलने गए थे मरीजों से जो छात्र घायल है, क्या उनकी कंडीशन और किस तरीके का उनको इलाज मिल रहा है? देखिए, उन लोगों को करीब करीब जेल में बंद कर दिया गया, पुलिस प्रशासन पुलिस छावनी बनाई हुई है। मुझे ये आशंका है कि गंभीर लोग हैं और अगर उनको मर भी जाते हैं, घायल मर भी जाते हैं, तो सरकार उनको डिस्पोज कर देगी, उनको दफना देगी और किसी को खबर नहीं लगने देगी। इसलिए गोपनीयता बरत रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पुलिस को और प्रशासन को, एक मीडिया को और जनप्रतिनिधियों को जाकर उन्हें देखने देना चाहिए और लोगों को अवगत होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पुलिस का इसमें, पुलिस और प्रशासन का और सरकार का इसमें बहुत बड़ी साजिश है। क्या कारण है जो मीडिया को भी दूर रखा गया, इसीलिए दूर रखा जा रहा है कि अगर बीमार जाते हैं, घायल जाते हैं, पुलिस ने गोलियां चलाई हैं, अगर गोलियों से मर जाते हैं तो जनता को पता न चले और उसको लावारिस करके उनको डिस्पोज कर दिया जाए, जनता को देश की बात पता न चले। मतलब मैं समझता हूँ ये सरकार की साजिश है और साजिश में मैं समझता हूँ कि सरकार नाकामयाब।
जनता इनके उद्देश्य को समझ चुकी है, ये देश हित में नहीं, धर्म के हित में नहीं, बल्कि समाज और देश को बांटने का काम कर रहे हैं, समाज और देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं। और पूरी जनता चाहे वो किसी भी मजहब का हो, सड़क पर उतरेगी और उन्हें उखाड़ फेंकेगी। लोकेश टंडन हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। लोकेश, जिस तरीके से डॉक्टर अय्यूब ने साफ तौर पर कई चीजों को लेकर के निशाना साधा, कुल मिलाकर के अब उनका अगला कदम क्या होगा लोकेश? जी, आपको आलोक में बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से डॉक्टर अय्यूब ने निशाना साधा है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मत विदाई कर दिया है और साथ ही साथ एक बड़ा आंदोलन करने की वो बात कर रहे हैं और वो बड़ा आंदोलन करेंगे। और जो छात्र हैं जो सीधा सीधा CAA के खिलाफ जो विरोध कर रहे हैं, उनके साथ वो हर तरीके से रहेंगे। जी आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली पहुंचे पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अय्यूब, जिन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा।